सर so, आज हम लोग क्वेश्चंस uh, करेंगे और 2021 में जो यूपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है उससे संबंधित तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज़ आल्सो लिस्टेड अंडर पर्टिकुलरली वर्बल ट्राइबल ग्रुप्स पी जी है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है यू में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला स्टेटमेंट है दूसरा है इट इज़ अ प्री न्यूलिथिक जो प्री न्योलिथिक इरा है उससे पहले के थे या निग्रेटो ट्राइब हैं और नेक्स्ट थर्ड है दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 तो इसमें आपको बताना द एव स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रेटली एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब किस ट्राइब के बारे में ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए ठीक है सेंटिलीस के बारे में बताया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये तीन स्टेटमेंट दिए गए इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है द एव स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोपरेटली एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इन ये तीनों स्टेटमेंट कौन से मिसाइल के बारे में सही व्याख्या कर रहे हैं पहला है इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजनली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ये पहला जो है देसी प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है दूसरा है इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इट इज अ सुपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल तो सेकंड का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री इज मेनली बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री है ये किस स्टेट में पड़ता है मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा थर्ड का थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ये नॉर्थ ईस्ट uh, का एक स्टेट है जी हाँ डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश थर्ड का ए हो जाएगा सॉरी uh, थर्ड का डी नेक्स्ट फोर क्वेश्चन आते हैं फिर से स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एव इज आर करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट है ना हमारे पास बताया जा रहा है विद रेफरेंस टू द मोरिंगा के बारे में तो पहला है इट इज अ फास्ट ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंस ट्री नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दूसरा है इट इज यूज एज ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन एंड ऑल्सो फॉर वाटर प्योरिफिकेशन तो इसका राइट आंसर फोर का हो जाएगा फोर का सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं अब क्वेश्चन है आ, कौन सा स्टेटमेंट इज आर करेक्ट तो हमारे पास है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इसके बारे में बात किया जा रहा है ए टी एम ए के बारे में द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डिस सेमिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दूसरा है इट इज फंडेड फिफ्टी परसेंट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और पचास प्रतिशत राज्य के द्वारा फंडेड है तो फिफ्थ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन ओनली मूविंग टू सिक्स क्वेश्चन ंसिडर द फॉरइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइट हाउस प्रोजेक्ट लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है यहाँ पर पहला है द लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैज बिन लॉन्च इन इंडिया इंडिया में लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर द प्रोजेक्ट द अंडर द प्रोजेक्ट द हाउसेज विल भी कंस्ट्रक्टेड इन द कैपिटल सिटीज ऑफ झारखंड उत्तर प्रदेश आसाम एंड गुजरात तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड उत्तर प्रदेश और आसाम और गुजरात में हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जी हाँ सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीदर वन और टू इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बात किया जाए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेवन का ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है आर ठीक है सेवन का राइट आंसर ए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट दिया जा रहा है uh, स्टेटमेंट कहा जा रहा है इट इज़ अ बैटल फॉट बिटवीन द पेशवा फोर्सेस एंड द ब्रिटिश मतलब जो मराठा लोग थे तो उनके और अंग्रेजों के दरमियान अठारह में लड़ा गया था तो पहले हम देख लेते स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है uh, दूसरा स्टेटमेंट द ब्रिटिश आर्मी कंप्राइज्ड मेनली ऑफ दलित सोल्जर्स एंड फॉट अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेट पेशवा मतलब जो दलित जो सिपाही वगैरह थे वो मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना में थे और किन के विरुद्ध लड़े थे पेशवाओं के खिलाफ लड़े थे और पेशवा में जानते ही हैं खास करके उच्च जाति के लोग थे थर्ड कहा जा रहा है द विक्ट्री पिलर आल्सो नोन एज रन स्तंभ वाज एक्टेड इन द कमोरेशन ऑफ दिस बैटल और फिर यह था आप जानते होंगे महाराष्ट्र में इसमें काफ़ी आंदोलन भी हुआ था कुछ समय पहले तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है इसका राइट आंसर यहाँ पर पूछा जा रहा है द स्टेट में मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री तो इसका कौन सा हो जाएगा जी हाँ कोरेगांव काफ़ी फेमस चला था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा भीमा कोरेगांव बैटल हल्दी घाटी नहीं होगा चौसा भी नहीं होगा वाणीवास भी नहीं होगा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर द दॉइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस आई ओ एस सी ओ के बारे में बात किया जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना आपको ठीक है पहला इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टूगेदर द वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेशन नेक्स्ट है बोथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स ऑथोरिटी आई एफ एस सी एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से वी आर द मेबर्स ऑफ आई ओ एस सी एस तो राइट आंसर नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी बोथ वन एंड टू मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट सत्यमेव जयते एज द नेशनल मोटो सत्यमेव जयते को नेशनल मोटो के तौर पर एडॉप्ट किया गया था भारत में 26 जनवरी उन्नीस सौ पचास दूसरा है सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम द मुंडकोप निषद से लिया गया थर्ड इट इज इंस्क्राइब इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ द लाइन कैपिटल ऑफ असोका तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा जी हाँ जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर टेन का राइट right आंसर हो जाएगा वन टू एंड थ्री ऑल ऑफ दीज आर ट्रू तो ये दस क्वेश्चन का सेट था अपेक्षा uh, है आपको यहाँ पर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट एम सी यहाँ पर प्रिपेयर हुए होंगे नेक्स्ट एम सी क्यू के लिए आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट पार्ट uh, के लिए थैंक यू